आपने अल्फा मेल का नाम तो सुना ही होगा। अल्फा मेल्स को हाईली कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और डोमिनेंट माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्फा मेल से भी खतरनाक एक पर्सनालिटी टाइप होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा मेल्स की। जहाँ अल्फा मेल सोशल हायरार्की के टॉप पर होते हैं, वही सिग्मा मेल किसी सोशल हायरार्की में नहीं होते। जहाँ अल्फा मेल्स को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोगों से वैलिडेशन की जरूरत होती है, वहीं सिग्मा मेल किसी से कोई वैलिडेशन नहीं मांगता। इसलिए उसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा भी सिग्मा मेल्स की कई ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें अल्फा मेल्स से भी कई ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। आज हम आपको सिग्मा मेल्स की ऐसी ही 9 क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 9, दे आर मिस्टीरियस, पीपल डोंट नो देम वेल। सिग्मा मेल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने बारे में ज्यादा कुछ भी सोसाइटी के सामने रिवील नहीं करते, जिस वजह से लोगों के बीच उनकी एक मिस्टीरियस इमेज बन जाती है। कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो क्या करते हैं क्या नहीं किसी को भी नहीं पता होता। जबकि अल्फा मेल्स बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, वो लोगों से मिलना बातचीत करना पसंद करते हैं, जिस वजह से लोग उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। और यही चीज उनकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि अगर आपके बारे में हर किसी को सब कुछ पता होगा तो वो उस जानकारी का इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए सिग्मा मेल अल्फा मेल से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनकी कमजोरियां नहीं जानते। सिग्मा मेल्स अकेले रहना पसंद करते हैं, वो लोगों के बीच ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा लोगों से वो मिलेंगे उनकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी ड्रेन होगी। इसलिए वो अकेले खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वो अपनी समस्याओं का समाधान अकेले में ही निकाल लेते हैं। वो जल्दी किसी की मदद मांगना या किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स बताना पसंद नहीं करते। नंबर 8, दे आर ग्रेट लर्नर्स। एक सिग्मा मेल भले ही अल्फा से कितना ही सोशली डोमिनेंट ना हो, लेकिन इस वजह से आप उसको वीक नहीं समझ सकते, क्योंकि सिग्मा मेल अकेले इसलिए रहते हैं ताकि वो खुद पर काम कर सकें, खुद को बेहतर बना सकें। वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमेशा नई स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए सिग्मा मेल्स के पास अल्फा से ज्यादा स्किल्स और क्वालिटीज होती हैं। सिग्मा मेल्स कभी अपने शब्दों से ज्यादा नहीं बोलते, बल्कि उनके एक्शंस ही उन्हें प्रूव कर देते हैं। एक सिग्मा मेल को आप एक ऐसा बंदा समझ सकते हो जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, यानी वो अभी अपने आप को केपेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 7, दे डू नॉट जज अदर्स और दे डोंट गॉसिप। सिग्मा मेल्स को लगता है कि दूसरों के ऊपर ध्यान देना, उनकी कमियां निकालना या उनकी बुराई करना, ये सब टाइम वेस्ट है। इसीलिए एक सिग्मा मेल कभी भी किसी को इमीडिएटली जज नहीं करता। कोई चाहे कैसा भी हो, सिग्मा को उससे कोई मतलब नहीं होता। और एक सिग्मा मेल कभी भी आपको किसी की पीठ पीछे बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। और अगर कोई उसके सामने दूसरे की बुराई करता भी है, तो वो या तो वहाँ से चला जाता है या वो उस इंसान को उस बारे में बात करने से मना कर देता है। सिग्मा मेल्स दूसरों से ज्यादा खुद पर ध्यान देते हैं, वो दूसरों की कमियां निकालने की जगह अपनी कमियों पर फोकस करते हैं और उन्हें सुधारते भी हैं। इस तरह वो खुद को और बेहतर बनाते रहते हैं, और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। नंबर 6, दे हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। देखो, सिग्मा मेल्स जो होते हैं ना, वो डोमिनेंट तो होते हैं, लेकिन वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। वो ज्यादा लोगों से मिलना, लोगों से ज्यादा बातचीत करना, पब्लिक गैदरिंग्स में जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, जिस वजह से उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। वो ज्यादा लोगों से दोस्ती करने के शौकीन नहीं होते, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके काम के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहकर वो बेहतर इंसान बन पाएंगे। नंबर 5, दे लव सॉलिट्यूड। एक सिग्मा मेल आपको किसी शांति वाली जगह पर अकेला बैठा मिलेगा, क्योंकि उन्हें सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है। निकोला टेस्ला में भी यही क्वालिटी थी, वो दिन भर अपनी लैब में अकेले शांति से काम किया करते थे। उन्हें किसी से ज्यादा मिलना और दुनिया भर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लैब में इतनी शांति होती थी तभी वो अपने पूरे फोकस के साथ काम कर पाते थे, और शायद अपनी सॉलिट्यूड में रहने की आदत ने उनको इतना महान साइंटिस्ट बनाया। हालांकि सिग्मा मेल्स शाय नहीं होते, वो लोगों से बात करना चाहते हैं और बात करने में कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन वो बस लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। नंबर 4, दे स्टे काम अंडर प्रेशर। सिग्मा मेल्स बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में खुद को शांत रख पाते हैं। सिग्मा मेल्स को ये पता होता है कि हर इमोशन टेम्पररी होता है और हमें कभी भी इमोशंस के आधार पर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो अपने इमोशंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। ना वो कभी ज्यादा खुशी किसी को दिखाते हैं और ना ही दुख, और इसीलिए लोग उनको ज्यादा टफ और डोमिनेंट मेल समझते हैं। नंबर 3, दे डोंट केयर अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिसिज्म। लोग चाहे उनको कॉम्प्लीमेंट दें या फिर उनको क्रिटिसाइज करें, एक सिग्मा मेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ ज्यादातर लोग कॉम्प्लीमेंट सुनकर खुश हो जाते हैं और क्रिटिसिज्म सुनकर दुखी हो जाते हैं,
एक सिग्मा मेल ये जानता है कि कॉम्प्लीमेंट और क्रिटिसिज्म ये सब एक टेम्पररी चीजें हैं और आउटर सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। और अगर कोई उन्हें अभी कॉम्प्लीमेंट दे भी रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में वो उन्हें क्रिटिसाइज भी करे। इसीलिए वो खुद के माइंडसेट को इस तरह का बनाते हैं कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे उसे पसंद करो या ना पसंद करो, एक सिग्मा मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर टू, दे लाइक स्मॉल कॉन्वर्सेशंस ओवर लॉन्ग वंस। जहां ज्यादातर लोग दूसरों से काफी देर तक बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके बारे में ज्यादा ज्यादा जान सके और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाए, वहीं एक सिग्मा मेल ज्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करता है और वो सिर्फ काम की बात करना पसंद करता है। इसीलिए सिग्मा मेल से दोस्ती करना और उनके बारे में कुछ जान पाना बहुत मुश्किल काम होता है। नंबर वन, दे डोंट चेस गर्ल्स। एक सिग्मा मेल कभी भी किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। सिग्मा मेल्स जानते हैं कि लड़कियां उनके लिए एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि सिग्मा मेल्स खुद की पर्सनालिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। वो खुद को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक सिग्मा मेल अकेले रहना ही पसंद करता है, वो कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागता। तो ये थी सिग्मा मेल की 9 क्वालिटीज जिन्हें अपने अंदर डेवलप करके कोई भी एक सिग्मा मेल बन सकता है। अगर आपके माइंड में सिग्मा मेल की कोई क्वालिटी है जो मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। नंबर 9, दे आर मिस्टीरियस, दैट मींस पीपल डोंट नो देम वेल। सिग्मा मेल्स अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते और इसी वजह से उनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। नंबर 8, दे आर ग्रेट लर्नर्स। सिग्मा मेल ज्यादातर समय अकेले में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से उनके पास चीजों को सीखने का ज्यादा समय होता है और वो ज्यादा स्किल्स सीख पाते हैं। नंबर 7, दे डू नॉट जज अदर्स, मींस दे डोंट गॉसिप। सिग्मा मेल्स बाकी लोगों की तरह किसी को जल्दी जज नहीं करते और ना ही वो किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा खुद पर फोकस करते हैं। नंबर 6, दे हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। सिग्मा मेल के दोस्त बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नए लोगों से मिलना और लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। नंबर 5, दे लव सॉलिट्यूड। सिग्मा मेल्स आपको ज्यादातर किसी शांत जगह पर बैठे मिलेंगे, क्योंकि वो दुनिया के शोर शराबे में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो अकेले किसी शांत जगह रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 4, दे स्टे काम अंडर प्रेशर। सिग्मा मेल्स कभी भी किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि हर इमोशन टेम्पररी है और इसीलिए वो कभी इमोशनली एक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझ के शांत मन से कोई काम करते हैं। नंबर 3, दे डोंट केयर अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिसिज्म। सिग्मा मेल्स को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे लोग उनको कॉम्प्लीमेंट दें या क्रिटिसाइज करें, एक सिग्मा मेल को दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, दे लाइक स्मॉल कॉन्वर्सेशंस ओवर लॉन्ग वंस। सिग्मा मेल सिर्फ काम की बात करना पसंद करते हैं, वो बिना वजह की बातें नहीं करते और इसीलिए उनकी कॉन्वर्सेशंस हमेशा शॉर्ट ही रहती हैं। नंबर 1, दे डोंट चेस गर्ल्स। सिग्मा मेल्स किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें ये चीज टाइम वेस्ट लगती है और वो लड़कियों को इम्प्रेस करने से ज्यादा खुद को बेहतर इंसान बनाने पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।